जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर पोको F3 GT इंडिया का पहला स्मार्टफोन बन जाता है, जिसके अंदर MIUI 13 एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 12 अपडेट देखने को मिलता है। इंडिया का नंबर वन या पहला स्मार्टफोन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर Xiaomi की तरफ से नंबर वन बनता है, ना कि सारे ब्रांड्स की तरफ से। यहाँ पर जो Xiaomi कंपनी है उसके अंदर जितने भी यहाँ पर कंपनी आती है, चाहे पोको चाहे रेडमी चाहे MI सीरीज है, उनके अंदर यहाँ पर उनमें अपडेट ना देके यहाँ पर Xiaomi वालों ने सबसे पहले MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है इंडिया के अंदर सबसे पहले पोको F3 GT के अंदर रिलीज कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको सारे फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ, क्या कुछ यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं आपको, यहाँ पर सब कुछ फीचर्स भी दिखाऊंगा, कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे और अपडेट का साइज लगभग कितना देखने को मिल जाता है, सारा कुछ आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा MIUI की न्यूज खाते। तो चलिए आज की जो वीडियो है बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग देख लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर जो पोको F3 GT है ना, उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे यहाँ पर मूर्ख यूट्यूबर है जिन्होंने अपने यहाँ पर चैनलों के ऊपर फेक स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर करना स्टार्ट कर दिया है पोको F3 GT का। यार क्या बताऊँ मैं उस यूट्यूबर के बारे में, यहाँ पर किस दिन मिले थे उसको अच्छी तरीके से मैं समझा दूँ, जमाई दिमाग नाम की चीज़ नहीं है कि यहाँ पर पोको लिख दे रहे हैं अपने यहाँ पर पोको F3 GT का स्क्रीनशॉट है ये। और यहाँ पर अभी आप लोग उसके अंदर स्क्रीनशॉट में देखोगे तो साफ साफ उसमें क्या लिखा हुआ है, MIXM है। अरे मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे ही लोग, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ पर आप लोग समझदार हो वो कौन है यहाँ पर जिसने यहाँ पर फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है पोको F3 GT का। उसमें लिख दिया है कि ये इंडिया का अपडेट है, पोको F3 GT के अंदर यहाँ पर अपडेट रिलीज हुआ है और फेक स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। जबकि उस स्क्रीनशॉट में आप लोग साफ साफ देखोगे तो पहचान जाओगे कि वो पोको F3 GT का स्क्रीनशॉट है नहीं, क्योंकि वो ग्लोबल का जो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स उसका स्क्रीनशॉट उसने शेयर करा हुआ है। अरे डूब गया मर जा भाई तू, जैसा भी यूट्यूबर है अपने जमाई खुद को मूर्ख है, खुद तो वो मूर्ख है और अपनी तरह उसने सब अपने व्यूवर्स को मूर्ख बना रखा है, और वाकई में जो उसके व्यूवर्स लोग हैं सही में मूर्ख बन ही जाते हैं, उसकी बातों में आ ही जाते हैं। तो दया आती है मुझे वैसे इन व्यूअर्स के ऊपर। यहाँ पर उस यूट्यूबर का तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, यहाँ पर उसके मैं रेलना है तो मैं तो रेल दूंगा इसी तरह उसको, शर्म आनी चाहिए उस यूट्यूबर को वैसे भी। बाकी समझदार हो आप लोग, जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए पोको F3 GT का ये रियल स्क्रीनशॉट है जो कि आप लोग के सामने है। यहाँ पर बिल्कुल जो अपडेट रिलीज हुआ है उसका यहाँ पर आप बिल्ड नंबर देख लीजिए, मैं आपको बिल्ड नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए बिल्ड नंबर आपके सामने MIUI 13.0.0.10.0 और SKJINXM लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये SKJINXM ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये होता है यहाँ पर ओरिजिनल स्क्रीनशॉट जो कि 13.0.0.10। अगर यहाँ पर 10.0 होता ना तो ये स्टेबल अपडेट होता है। अभी ये फर्स्ट बिल्ड का अपडेट रिलीज हुआ है पोको F3 GT के अंदर और यहाँ पर बिल्ड नंबर है SKJINXM। जो ये SKJINXM लिखा हुआ है ना, ये ओरिजिनल बिल्ड नंबर है, बट जो मूर्ख यूट्यूबर है उसने क्या करा हुआ है, शेयर करा हुआ है, उसने यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है कि उसके में SKMIXM लिखा हुआ है, जबकि अरे यार दिमाग खराब है उसका, MIXM क्या है वहां पर, वो ग्लोबल का बिल नंबर होता है, इंडिया में क्या लगता है INXM। जमाई दिमाग नहीं है उसने, मूर्खी समझा हुआ है, चैट बॉक्स खुला होता तो उसको अच्छी तरीके से समझाई देते। फिर फिलहाल छोड़िए उस चीज़ को। यहाँ पर देखिए बिल्ड नंबर है MIUI 13.0.10.0 SKJINXM, ये चीज़ आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये बिल्ड नंबर रिलीज करके मी पायलट्स के लिए अपडेट रिलीज हुआ और कुछ देर के लिए अपडेट मिला रिकवरी रोम, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया और स्क्रीनशॉट भी हमने सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ ये वाला। और एक और चीज़ बता दूँ इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, तो यहाँ पर पहली बार Xiaomi का ये डिवाइस है जिसको, ये पहला ही डिवाइस है इंडिया का जिसके अंदर यहाँ पर पोको F3 GT के अंदर सबसे पहले अपडेट मिला है MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 का। ये फर्स्ट बिल्ड है जिसके कारण यहाँ पर 0.010 लिखा हुआ है, अगर 10.0 होता तो ये स्टेबल अपडेट होता। अब ये बिल्ड नंबर चेंज होगा और एक नए बिल्ड नंबर के साथ आपके लिए यहाँ पर अपडेट रिलीज होगा सभी यूजर्स के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच भी बता दूँ, इसमें चेंज हुआ जिसमें आपको 2022 जनवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, यानी कि 1 जनवरी 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करो जो कि आप लोग यहाँ पर खुद पढ़ लीजिए। और यहाँ पर पोको F3 GT लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग 13.0 का जो बिल्ड नंबर है वो भी देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर 13 का लोगो भी आ चुका है। और रही बात इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, इंडिया का पहला डिवाइस तो बन गया Xiaomi की तरफ से, पर इसके अंदर फीचर क्या दिए हैं तो आप लोग को यहाँ पर सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी, मैं फीचर आप लोग को दिखा दूँ। उससे पहले कुछ और भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर लें जो कि आप लोग देख लीजिए, ये कुछ यहाँ पर इसके सेटिंग के स्क्रीनशॉट है। आप लोग इसकी कंप्लीट यहाँ पर वीडियो देखना चाहते हैं ना तो टेक्नो बज नेट नाम से एक चैनल है पड़ा, उसके ऊपर इन भाई साहब को सबसे पहले अपडेट मिला था, उनसे आप लोग उनके वीडियो देख सकते हो, वो यहाँ पर MIUI से रिलेटेड भी वीडियो बनाती है। तो उनका पोको F3 GT है उनके अंदर अपडेट मिला था, उन्होंने अच्छी तरीके से बता रखा। अगर आपको देखना है फुल फीचर वाला वीडियो तो टेक्नो बज नेट आप लोग सर्च करना ना आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे बंदे हैं वो भी।
यहाँ पर इनकी तरह फेक यूट्यूबर नहीं है, जो वो यूट्यूबर है दूसरा, ये बहुत अच्छा आदमी है टेक्नो बज नेट, इसको आप लोग जाकर देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने अपडेट करा है, अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो विजेट्स वगैरह उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर कोई चीज़ अपडेट दिया ही नहीं है इसके अंदर। शायद ये फर्स्ट बिल्ड है, इस कारण आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। बाकी सिस्टम यूआई का, एंड्रॉयड 12 का लोगो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ में जो कंट्रोल सेंटर की बात करें तो इन्होंने अपडेट किया, तो इनके डिवाइस में जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरह के यहाँ पर देखने को मिल रहा है पोको F3 GT के अंदर आफ्टर अपडेट के बाद। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस अपडेट के अंदर कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं। यहाँ पर अपडेट रिलीज हो चुका है, नाम नाम का MIUI 13 और एंड्रॉयड 12 अपडेट रिलीज करा यहाँ पर शाओमी वालों ने इंडिया के अंदर। पोको के साथ बहुत बड़ा मजाक किया, और यहाँ पर पोको अपनी इज्जत बचाने खातिर यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले पोको F3 GT के अंदर अपडेट रिलीज करके दिखाना ये शुरू किया कि हमने देखो इंडिया में सबसे पहले शाओमी ने और रेडमी के डिवाइसेज में नहीं मिला, बट हमारे पोको के डिवाइस में सबसे पहले अपडेट मिला है। भले हम रीब्रांडिंग में सबसे आगे है, बट यहाँ पर UI को है ना उसको भी यहाँ पर रीब्रांड करने में बहुत आगे है। तो यहाँ पर उन्होंने नाम नाम का बस एक MIUI 13 और एंड्रॉयड 12 का धब्बा लगा के इस अपडेट को रिलीज कराया, यानी कि यहाँ पर MIUI 13 का लोगो चिपका दिया है और एंड्रॉयड 12 का वो जो क्लॉक वाला विजेट देखने को मिलता है ना, जब आप लोग ऐसे गोल गोल घुमाओगे और फिर वो एंड्रॉयड 12 का जो लोगो आ जाएगा वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वो सब चीज यहां पर देखने को मिली है। यहां पर कुछ भी नहीं है MIUI 13 के अंदर। कल MIUI 13 लॉन्च हुआ था ना यहां पर, उसके अंदर साफ साफ यही बोला गया था कि MIUI 13 के अंदर ज्यादा फीचर हम लोगों ने प्रोवाइड किया ही नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए, ये उनका ही है पोको F3 GT, उनके पास डिवाइस है, उन्होंने इसको अपडेट किया हुआ है। और कल जब MIUI 13 लॉन्च हुआ था तो आपको MIUI 13 के अंदर जो है ना लॉन्च इवेंट में साफ साफ तीन बातों के ऊपर उन लोगों ने फोकस किया था, जो कि आप लोग यहां पर देख लीजिए। इन तीन चीजों के ऊपर फोकस करा गया है MIUI 13 को इंडिया के अंदर: इंप्रूव परफॉर्मेंस, रिफाइंड डिजाइन एंड मल्टीटास्किंग फीचर। इन तीन चीजों के ऊपर यहाँ पर MIUI 13 रिलीज होगा इंडिया के अंदर। एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको यहाँ पर कोई भी फीचर देखने को मिलने वाला, कुछ भी यहाँ पर फीचर नहीं है। सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा, MIUI 13 का लोगो मिलेगा, एंड्रॉयड 12 का लोगो मिलेगा, बाकी जो परफॉर्मेंस है उस चीज को यहाँ पर फिक्स करी गई है। ये चार फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 10% बैटरी आपकी इंक्रीज देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिलेगी, मल्टीटास्किंग अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो यही सब चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर MIUI 13 और एंड्रॉयड 12 के अंदर। और वैसे भी ये पोको का डिवाइस है, तो इसके अंदर यहाँ पर इनके अपडेट करने के बाद अगर आप लोग इनका वीडियो देखेंगे ना, तो अपडेट करने के बाद इनके वीडियो में साफ साफ ये भी दिखाया कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं हुआ है आफ्टर अपडेट के बाद। तो भूल जाइए कि आपको यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिलेंगे, वैसे पोको का डिवाइस में कोई एनिमेशन देखने को मिलता ही नहीं। जैसे आप लोग खुद देखिए, ये भी पोको का डिवाइस है, इसके अंदर कोई भी एनिमेशन देखने को मिलता ही नहीं है। सिर्फ ओपनिंग एनिमेशन मिलेगा, क्लोजिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा नहीं, जो कि आप लोग के सामने है। बिल्कुल ओपनिंग एनिमेशन इसका फास्ट है, और यहाँ पर क्लोजिंग एनिमेशन देखेंगे तो वो तो यहाँ पर देखने को मिलता ही नहीं। तो पोको का डिवाइस में कोई भी यहाँ पर एनिमेशन देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी MI सीरीज के जो डिवाइस है उसके अंदर यहाँ पर एनिमेशन को इनहांस करा गया, इंप्रूव करा गया, और यहां पर देखेंगे मी सीरीज वाले डिवाइस में जब अपडेट आएगा तो उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो जैसे ये पोको का जो फ्लैगशिप डिवाइस है, इसके अंदर जब चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, तो बाकियों में क्या यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे? पोको के डिवाइस में नहीं मिलेगा, सोचना भी मत दोस्तों यहां पर। अब फीचर की बात करूँ, नंबर वन फीचर ये है कि जैसे अभी आप लोग को पता है कि ये वाला वीडियो टूल बॉक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर MIUI 13 के अंदर। MIUI 13 के अंदर पोको के डिवाइसेज में ये वाला यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिलने वाला है। आप टेक्नोबस नेट का वीडियो देख लेना, उसके अंदर उन्होंने यही वाला टूल बॉक्स दिखाया, उनको भी यहाँ पर यही वाला टूल बॉक्स देखने को मिला है, और नया साइड बार एड हुआ पड़ा है, जो कि आप लोग ये वाला साइड बार देख रहे हो ना, ये वाला साइड बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके पोको F3 GT के अंदर। तो नया साइड बार आप सभी को देखने को मिलने वाला है, और वीडियो टूल बॉक्स आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि पोको डिवाइस में वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिलने वाला है, और नया साइड बार आपके डिवाइस के अंदर ऐड होने वाला है। अगले फीचर के बारे में बात करूं, अगला फीचर आपको कहां देखने को मिलेगा, तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस मोड के अंदर यहां पर पोको F3 GT के अंदर ये वाले फीचर देखने को मिलेंगे, जिसमें बैलेंस मोड, पावर मोड और यहां पर परफॉर्मेंस मोड। तो यही फीचर आप सभी को यहां पर मिलने वाले आपके पोको F3 GT के अंदर, और यहां पर कुछ नहीं है MIUI 13 के अंदर। बाकी यहां पर जो है ना साफ साफ ये कि MIUI 13 है वो थोड़ा बहुत यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। चेंज कहा होगा, ये 12 की जगह यहां पर MIUI 13 का लोगो मिलेगा, और MIUI 13 का लोगो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लग कि मान लो किसी ने MIUI 12.5 के ऊपर यहां पर कोई थीम लगा दिया है, जिस कारण यहां पर ये अपडेट रिलीज करा जा रहा है। तो MIUI 13 कुछ ज्यादा यहां पर खास नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलने वाली है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाले जो गेम है ना इसको ओपन कर लिया है, और इस गेम को ओपन करने के बाद यहां पर गेम टर्बो 4.0 को ऐड कर दिया गया आपके यहां पर पोको F3 GT के अंदर। फिलहाल मैं आप लोग को यहां पर गेम टर्बो 4.0 ऑन करके दिखाता हूं। तो गेम टर्बो 4.0 इस तरह देखने को मिलने वाला है, यहां पर वॉइस चेंजर का फीचर देखने को मिल जाएगा। मेरे पोको M2 प्रो में वॉइस चेंजर नहीं है, तो पर आपके पोको F3 GT के अंदर वॉइस चेंजर का फीचर यहां पर देखने को मिल जाएगा, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया। और जो आपको लेआउट है ना, यही वाला लेआउट आपके डिवाइस के अंदर यहां पर प्रोवाइड करा गया पोको के F3 GT के अंदर। आप लोग चेक कर लेना अगर आपको अपडेट मिला होगा, और आगे मिलेगा तो यही सब चीज देखने को मिलेगी। फीचर कुछ भी यहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करी गई है। अपडेट यहां पर बहुत बेकार रिलीज हुआ पड़ा है, बस यहां पर स्मूथनेस के ऊपर काम करा गया, और इसके ऊपर किसी के ऊपर काम नहीं करा गया। फिलहाल इसके बारे में मैंने हर चीज यहां पर टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा हुआ है तो एक काम करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये लो यहां पर स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही रिलीज
रिलीज़ कर दिया था और यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए थे। बाकी आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पर पोको के डिवाइस में तो इतने फीचर देखने को नहीं मिले MIUI 13 में, आपको क्या लगता है कि जो रेडमी के डिवाइसेज है उनके अंदर फीचर देखने को मिलेंगे आफ्टर अपडेट के बाद, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।